तो फ्रेंड्स ये सुबह सुबह का टाइम है, ये राम बाबू जी महाराज हमारे घर में पधारे हैं। क्यों आए हो आप बताओ? आंटी के तो प्रसाद देने के लिए आया था मैं तो। तो ये छठ पूजा ये इनके में बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तो स्पेशल लेकर आए। क्या ठाकुर है ना इसमें? इसमें वो है खजुरिया है। ठाकुर? ठाकुर ने खाजा नहीं, ठाकुर ही तो बोलते हैं उसको। अरे अब तो सही सही बता, ठाकुर है कि नहीं है? अब खाजा ठाकुर को भूल जाओ, ठाकुर नहीं, ठास ठ से क्या बोलते हैं वो सुबह बता दी रहे। ठकुआ है, ठकुआ उसको ठाकुर बोलते हैं। खजूर हाँ, अच्छा वो है। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठो, मैं दिखाता हूँ। अच्छा आप दिखाओगे अपने हाथ से? ये क्या है? देखो ये मैम है केले। अच्छा ये छठ माता का वहाँ प्रसाद, ये वहाँ का मेन प्रसाद होगा ना, वहाँ जमुना जी पे जाते हैं ना पूजा करने के लिए प्रसाद। ये वो नींबू है जो बड़े बड़े मिलते हैं इनके जी। इसे बड़े भी और है, इतना बड़ा नींबू दिखा था, इतना बड़ा जो होता है, इतना बड़ा नींबू भी था। अरे नींबू है वो, ये जो बड़ा उतना बड़ा होता है वो है, ये इतना बड़ा नींबू है मम्मी है। और ये कलर कैसा है इसका? पिंक कलर इसके से रहता है। अच्छा और ये देखिए, ये है ठकुआ, ये है ठाकुर, और ये देखिए ये खजूर, खजूरिया, खजूरिया जो सुबह वो खा रही थी, और ये है खाजा। तीन मिठाइयां लेकर खाजा मोरे खाजा। और ये है नारियल। हाँ सारा प्रसाद आया हमारे, बाकी आरो सामान मिला नहीं। अच्छा जो गन्ने उन्ने तो लेके नहीं आया मैंने, गन्ने 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 हाँ, जो ये प्रसाद वो है ना जो यमुना जी पे लेके जाते हो छालनी में, उसमें छाज में डाल के, वही है ना? नहीं वो तो अलग है, जो घर पे अलग जैसे पूरा बनाते ना वो अलग कर देते हैं, ये बिल्कुल साफ ही है, अलग रखे हैं मैंने घर पे। अरे वो जो चढ़ाते हैं ना वो अलग ही रखे, चढ़ावा वाला अलग होता है ना, हल्की सी देते नहीं। अच्छा वो देते नहीं, वो अपने घर में खा लेंगे फिर, क्योंकि उसमें क्या है कि संदूर है जो उसको लगा रहता है, अपना जो रीति रिवाज है रखते हैं, हाँ वो उसमें लगा रहता है, तो मैं किसी को दूंगा तो कहीं कोई गंदे चीज देते हैं वो सिंदूर सिंदूर लग जाता है ना वहाँ पे पूजा करते टाइम, अपना घर पे रख लेते हैं, कह रहे हैं वो फिर वो गंदा हो जाता है, वो हम खुद ही खा लेते हैं, हम अपना घर में खा लेते हैं। गंदा क्या मतलब कि पूजा का? हाँ पूजा का वो लग जाता है, प्रसाद गंदा तो नहीं, प्रसाद थोड़ी गंदा होता है, मतलब कि वो सिंदूर लग जाता है, कोई अगला बंदा व्यायाम ना करे, व्यायाम ना करे, ये बात है। सही है, इसलिए धर्म ज्यादा बनाते हैं घर पे, ताकि देने में कोई आ गया कोई सदा के भी देना होता है। नहीं ठीक है बिल्कुल, बैठो सर बैठो आप बैठो। नहीं तो आपकी मतलब मिसिज ने और आपकी भाभी ने रखा 2.5 दिन का व्रत। हाँ जी। तो 2.5 दिन का इतना कठिन व्रत आपने क्यों नहीं रखा? आपके बस का नहीं है बोलो। नहीं नहीं बस की तो है, अगर मैं करूंगा ना तो फिर कर सकता हूँ, कभी नहीं करता मैं। अच्छा फिर अगर एक बार शुरू कर लो फिर कंटिन्यू रखना पड़ता है? ममता करूंगा ना तब जैसे व्रत पानी में खड़े फिर अगला साल से कर सकता हूँ। अच्छा इस बार शुरू करने के लिए पहले बोलना पड़ता है कि मैं अगली बार से करूंगा। हाँ इस बार जैसे हाथ में जो भी हो हाँ। रख देना पड़ता है पानी में खड़े होके, ठीक है फिर अगले साल पे करूंगा। वही तो कह ना शुरुआत करने के लिए भी एक साल पहले बोलना पड़ता है माता रानी को कि मैं व्रत रखना चाहता हूँ। व्रत ऐसे हम अपने करवे के व्रत को कहते हैं, इतना मुश्किल लगता है, कठिन है, इतना कठिन है, और इनके व्रत से ज्यादा तो कोई व्रत, इनका व्रत तो 2.5 दिन का, और वो भी पानी के बिना रहते हैं। 2.5 दिन पूरे पानी नहीं पीना? नहीं जैसे आज खाना रात में खाया उससे अगले दिन कुछ नहीं खाना रात को। अच्छा। फिर उससे अगले दिन नहर पे जाना है, उसे नहर पर से आके उसके बाद व्रत। तो पानी फिर कब पीते हैं? जैसे रात को खाना खाया उस टाइम भी पानी नहीं पीना? नहीं। अच्छा पानी नहीं पीना, खा सकते हो पी नहीं सकते? नहीं खा भी नहीं सकते ना, जैसे एक दिन खाना होता है ना, एक दिन खा लिया, एक दिन खाना अगले दिन छठ नहर पे जाऊंगा 2-3 बजे से, ठीक है उस दिन में रात को कुछ नहीं खाना, कुछ उत्तरे की, उसके बाद 3-3 बजे सुबह जाना, फिर बहुत मुश्किल है नहर पर से आके उसके बाद भी व्रत करेंगे। कहते हैं छठी मैया की मान्यता भी होता है, बता रहे थे ना, माता ही तो है, माता ही तो है, बज रहा है तेरा लाइटें मार दे तेरा फोन, इतना सारा प्रसाद क्यों ले, थोड़ा ले आते प्रसाद तो थोड़ा सा ही दो तो, ये हमेशा लेके आता है बहुत, ये लास्ट ईयर मुझे पिछले स्टोर में भी देने आया था, आज भी देने आया, देख लो गाइस इसका रूटीन टूटा नहीं, 3 साल हो गए, इतना सारा प्रसाद लेके आए हैं, और थोड़ा प्रसाद तो इतना सा ही बहुत होता, कोई नहीं है, बच्चे खाते हैं वहाँ पे बच्चे, बहुत ज्यादा बनाया हुआ है ना इसने, तो सबको दिया है ना,
अब वो मानी खिलाएगा सबको, मां लेके जाऊंगा, फिर रमेश आगे देने, हां बुगले को भी खिलाएगा, रमेश भैया को भी खिलाएगा, सबको खिलाएगा, सबके लिए लेके जाएगा, सबके लिए हर बार सबके लिए जाएगा, सबके लिए लेके आता है। चीकू नहीं है, चीकू नहीं है, चीकू को बड़ा याद कर रहे हैं जी, मोटो तेरे को बड़ा याद कर रहा है राम बाबू, वो भी खाया करती थी ना ये। माता रानी सुख शांति, जो तुमने मानना है तुम्हारी, तेरी मन्नत पूरी हो भाई, तूने अच्छे से विश किया तो अच्छी तरक्की कर लेना, तो अच्छी तरक्की करे, खूब तेरा काम बने, है ना। और हमने जाना है सत्संग में, इधर चल रहा है टीवी, और ये बेटी बैठी है ब्रेकफास्ट कर रही है, और हम सत्संग में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, और मैडम हमारी हो रही है तैयार बाहर, और ये खड़ी देखो भाई, ये देखो जी, मैं भी होगी तैयार, आज मैंने ये कुर्ता कम से कम इसको 4-5 साल हो गए, कल मैंने अलमारी की उधर सफाई की ना, सूटकेस पड़ा था उसमें पड़े थे कपड़े, तो ये गर्मियों में तो डलता नहीं लाइनिंग वाले, तो अब मौसम थोड़ा सा ऐसा है कि अब डल जाएगा, तो पूरा लुक दिखाओ कैसे लग रहा है। तो गाइस ये सूट पहनना है मैंने, तो ये 4-5 साल से रखा हुआ था, कल मैंने सफाई की ना, अंदर की ट्रंक व्रंक सब खोल रखे थे, गर्म कपड़े निकालने थे, तो ये सूट नजर आ गया, मैं तो इसको भूले हुए थी कि ये सूट भी है, तो बताना कमेंट करके कैसा लग रहा है। शॉर्ट पहले चलते थे ना, ये शॉर्ट कुर्ती है, ये ज्यादा लंबा तो नहीं है, ठीक लग रहा है, इसमें मोटी लग रही हूँ या पता नहीं, मोटी तो है ही नहीं तू। चलो मोटी में आई है, फिर भी नहीं कहते मोटी, तो बस ये पहन लिया, चलते हैं सत्संग, 11:30 निकलना, पहले बेटी को छोड़ के आएंगे, नाश्ता वास्ता कर रही है अंदर, चलते हैं फिर। तो गाइस सत्संग से आ रहे थे, तो कहते हैं जूस पीना, हाँ जी क्यों, अभी तो खाना खा के आए आपने, मैंने तो अनानास वाला बोला, अनानास वाला सही है, और रश देखो, दिवाली गई, दशहरा गया, सब कुछ, फिर भी देख लो मार्केट में रश कितना, और इस शॉप पे देखो यहाँ मिलती है छोले भटूरे नान बेड़मी पूरी, और लंच का टाइम है, रस देखो कितना है, और इस शॉप का तो हमें पता ही नहीं, इधर शॉप भी है, इधर जूस वाले के पास है, अजय जूस को अपना, तो बस हमारा जूस अभी आया नहीं, आ रहा है फिर पी के फिर चलते हैं, रश देखो मार्केट में, अब त्यौहार भी नहीं है, रश किस बात का अब है, तो भाई जा गया ये हमारा जूस अनानास का पाइन एप्पल का, तो इधर ही आ गया, हाँ जी पियो फटाफट, टेस्ट बताओ कैसा है, बस तो पहले पी ही रखा है, फिर भी दोबारा से बढ़िया, अच्छा ही होता है वैसे इनका जूस तो।